हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से सभी बालक बच्चों के साथ। आज कुछ नानू कुर्सी कर रहे थे नाश्ता करने में, तो यहाँ पे ये जो बाउंसर हैं खुराक देने के लिए तैयार हो गए, तो इन्होंने अपनी खुराक लेनी शुरू कर दी। नहीं, कहने से काम चल गया, खुराक की ना जरूरत नहीं पड़ती। चिंकी की वजह से हो रहा है सब कुछ। ये चिंकी जो है इसकी सिमरन की वजह से बंक मार रही, कह रही इसका मन नहीं लगने का, बोर होगी खेलनी, तो इसलिए मुझे यहाँ इसे कंपनी देने के लिए रहना पड़ेगा। खेलेगी ना? हाँ, तो इन्हें सबको आल का सहारा, इसी वजह से 2 मिनट लगी नुहाने में। 2 मिनट लगी तैयार करने में। आज बेटा 8:30 बजे तुम्हें बस स्टॉप पे पहुंचना है, आध घंटा पहले जाना है आज, ठीक है? आधा घंटा नहीं, 15 मिनट पहले। 15 मिनट? 9:45 पे आ रही थी कई दिन से बस, आज 8:30 पे आवेगी। और पता नहीं क्या फेर बदल चल रहा, रूट बदल गया, बस बदल गई, ड्राइवर बदल गए, क्या होगा? ड्राइवर भी बदल गए, रूट भी बदल गया और गाड़ी भी बदल गई। अब बेटे ये तो सारा ही चेंजेस हो गया है। हां, सब कुछ बदल गया। सभी छुट्टी करने कह रहे थे आज, सारे छुट्टी करने कह रहे थे, लेकिन माँ ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि 5-6 दिन की छुट्टी ऑलरेडी इनकी होगी दिवाली के टाइम। दिवाली के टाइम 6-7 दिन और होली। हाँ, अंदाज ये था कल की छुट्टी, कल की छुट्टी रखो। तो भाई जिन जिन के यहाँ पर छठ पूजा होती है, छठ माता की, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी जो है सबके बच्चों को सुरक्षित रखे, खुश रखे और ऐसे ही आगे बढ़ाती रहे। तो बोलो छठ मैया की जय। बोलो छठ मैया की जय। और ये भाई सृष्टि आई है, इसके चक्कर में स्कूल का बंक मार दिया है चिंकी ने। सिमरन और सृष्टि को कंपनी देने के लिए एक बच्चा घर पे रहेगा यहीं पे। हाँ। वो भी चिंकी क्यों? चिंकी का तो ज्यादा काम रहेगा ना। चलो नाश्ता कर लो भाई, आप भी इसे भी दो भाई सृष्टि को। क्या लोगे? ये पराठा और चाय। माए फिर आलू का खावे, दूध नहीं पीती है। डर गई सृष्टि, अबे तो हमारे से ही डर रहे थे। हाँ। और सृष्टि उनसे डर गई। हाँ। अच्छा सृष्टि डर की थी, डर लगे था, डर लगे था, डर लगे था, नाली में था उसको निकाल दिया। मिट्टी हो रही थी, बहुत बढ़िया लग रहा था, जिस तरह जन्नत सी हो। देख लो क्या बता रही, उन जर्नलिस्ट की तरह नुकाब को चोट लगी, कैसा लगा आपको? वही काम इसका होता। और सृष्टि तो हंस रही थी पट्टी देख के, वो अपनी बात पर हंस रही थी। सृष्टि में चाचा वाली आदत है, तो अपने मामा जैसी ले रही ना यार, मोटी मोटी सी आदत है। सुबह से पहचान नहीं रही मुझे, जब पहचान जाएगी तो फिर मेरे ही पास खेल लगी। मैं तो ऐसे झूठ मूठ की चिज्जी देख रहा था ना, अरे ये नुकर लेती झूठ ही बोल रही, पर अब चिज्जी 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 ले लो, खा लो। ये आ गया याद, ये मुझे भी दे दो चिज्जी। और माँ जो है मट्ठा भी लो रही है, आज घी निकलेगा बहुत दिनों बाद। अगर मैं स्कूल में चली जाती ना तो ये बोर हो जाती, इसलिए मैं यहीं पर हूँ इसके साथ, इसे थोड़ी कंपनी देने के लिए, और अभी हम दोनों खेलने जाएंगे। तो गाइज अभी इधर का हमने साफ सफाई का काम निपटा दिया है, अब जाएंगे नए घर में, क्योंकि आज बनाना है हमें पालक का साग। बहन जी को अपने खेती वाला पालक का साग बना कर खुआवेंगे। वैसा तो शाम के टाइम जो है बनाने वाले थे, लेकिन फिर जो है बच्चों की प्लानिंग चेंज होगी, वे कहने लगे आलू चावल बनाऊँ। बस फुर्सत में अपना काम करो जाएंगे उधर। 11:30 बज गए, अब तक निपटा यहाँ का काम। और प्रीति गई है डॉक्टर के यहाँ पे, पैर का एक्सरे वगैरह कुछ करवाएंगे। वैसे तो उसके टाँके वगैरह तो ठीक है, पट्टी बदली थी भाई साहब ने। माँ वो इंक पन्नी वाला कहाँ है? वो लेगा आई हूँ मैं, जा रही, ठीक है? हाँ अदरक। तो चलो भाई मैं चलती हूँ, जब तक मैं पालक काटूँगी माँ लिया होगी हींग आंग, और मैं चूल्हा जलाऊँगी। जब तक जाके इधर की साइड में रहेंगे पिताजी, और मैंने माँ को बोल दिया बाकी सारे कमरों के जो है गेट बंद कर दियो। और बच्चे मुझसे पहले ही चले गए थे, और पिंकी दीदी को ये कह रही
चिंकी बुआ जी आप तो कल सारे गए भी नहीं। मैंने कहा तेरी बुआ जी सबसे ज़्यादा टाइम जो है अपना सृष्टि को देती रहे, वो अपना टाइम स्पेंड उसके साथ ही करें। मक्की का आटा मंगाएंगे, वो चाचा जी लेके आएंगे। गाड़ी खड़ी हुई थी यहाँ पे और ये देखो ये निकाल रहे अभी, इसे पीछे कर रहे क्योंकि इस तरफ बरामदे में खड़ी थी ये गाड़ी। और आज हमारी इस वाली किचन का जो है काम काफ़ी दिनों बाद चलेगा। कौन सा पालक खाओगे, यो वाला कि वो वाला? है शिवनंदा पूछ रही माँ कौन सा खाओगे। चलो बड़े बड़े हैं पत्ते काट लो है माँ, देखें तो जड़ में कितने फूट गए। हाँ माँ ये नहीं हो जावे सिमरन, जो तन्ने मुझे वो पेड़ा दिया था ना वो टहनी ला के दी थी, वो तो मैंने बहुत दूर दूर लो भेज दी। अरे वो यहाँ हाँ कहाँ भेजी थी आपने? तेरे मम्मा के भेजी सब्सक्राइबर को दी। इतनी स्प्रेयर वो कर तो फिर भी कीट पतंगे इसमें शुरू में ही लग गए थे। अरे ये तो करने वाला जड़ है तेरी। ये तो देखिए अभी कितनी बार चलेगा। इस पर आप कल पर से गिरी दिख रहे हैं, ये कट्टा था भी इस पर जी भी गिर जाती कल गिरी रहा इस पर। नहीं मैं कभी कट्टा था इस पर जी भी गिर जाती। हाँ तो पालक ले लिया हमने एक टोकरी में, अब दूसरी टोकरी में थोड़ी सी मेथी ले लेंगे और सरसों का पत्ता वो पौधा बताया मुझे चाचा जी ने उसमें। गजर तो बढ़िया हो रही, मूली खानी का तुम्हें ताजी मूली कह रहे थे तुम, खाते तो तुम हो नहीं, जो खाते हो तो मैंने एक देख ली। तो ये है हमारी मेथी की पहली कटाई। तो सिमरी तुझे मेथी पालक चना कंटो नहीं दे रही, यानी चने का मिक्स करके साग खाऊंगे। कहाँ एक मूली दिखाइयो जो तुम्हें खानी हो तो मैं दे दूंगी। हाँ खा लेंगे हम तो सलाद में। हाँ तो जब ही तोड़ दूंगी मैं, लाओ देव मैं पाड़ूंगी पहली मूली चिंकी के नाम। तो यहाँ पे मेथी ले ली, लहसुन की पत्तियाँ ले ली और ये सरसों के पत्ते ले लिए। चलो भाई अब करते हैं इसे साफ। देखिए और लहसुन पत्ते तो इन दोनों को ना मूली खानी, ये देखो यही है मोटी सी। हाँ यही आराम से कैसे फाड़ेगी, तोड़ ना दिए परे कोई फाड़ जी दरगू है या ले तोड़ दी। कह रही थी ना मम्मा के टूटने की नहीं तेरे पे फटने की नहीं, और इतनी जल्दी करी उधर को तिरछी सी खींचनी थी या पकड़ के। मैंने तिरछी तो खींची खींची नहीं तन्ने तिरछी, आधी तोड़ दी वाह नू गए हम खावेंगे इसे हटिए। अब गली कट रही है तो एक मूली थी वही अपने आप तोड़ कर खराब कर दी, इतनी जल्दी करी इनके हम तो मूली खावे हैं दोनों, इतनी जल्दी हो रही थी ना दोनों को बहुत ज़्यादा। अब और तो इतनी मोटी कोई है नहीं, जो तो मैं दे दूँ मैं खाने के लिए हो जाएंगी 10-11 दिन में हो जाएंगी मोटी मोटी। चलो भाई अब चलते हैं और उधर जो है तैयारी करते हैं साग बनाने की। चलो गोभी तो कल ले गए थे गुड्डू के पापा यहाँ से, और सुबह मैंने नाश्ते में आलू गोभी बनाई थी 3-4। अब जैसे लोग की आई थी ना ऐसे घी आवेंगे है ना मैं थूथी थूथू न चढ़ने लगे। आज मैं घर कुछ सामान लेने के लिए चली गई थी, अभी वो लेकर आई हूँ मैं अदरक हरी मिर्च और जो हींग होता है वो तो माँ ले आई थी। अभी घर कई चक्कर लगेंगे, चिंकी कह रही पनीर भी डाल दिए इसमें, मैंने कहा ठीक है। और पालक जो भी हमने काटा था ये सारी पत्तियाँ जो है माँ ने अच्छे से वॉश कर लिया है और इसको निचोड़ भी दिया है। अभी यहाँ पर दातड़ा भी साफ़ करके रख दिया और ये परात ये मैट बिछा दिया, कुछ और अच्छा सा लगेगा मतलब कि जैसे खाना बना रहे हैं यहाँ से। तो लो जी पूरे एक हफ्ते बाद आज फिर हमने इस हंडी को यहाँ पे चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया है, साग बनाएंगे स्पेशली सिमरन के लिए बाकी सब के लिए। और थोड़ा सा मैंने इस वाली कैरी में से भी काटा था, अभी इससे कटिंग तो माँ ही करेगी, अगर मैं काटती तो मैं तो चक्कू से लेकर काफ़ी देर पहले लग जाती, तो माँ इससे जल्दी जल्दी काट देगी। तो चलो भाई हंडी में है और क्या करो इसका मैं झाड़ दूँगी सब। लो तुम यूँ काट लो, ये तो बहुत जल्दी पक गया पानी तो थोड़ा ही तो है, देखिए पानी माँ छोड़ दे वो तेरा, ये तो ज़्यादा ही है निकाल दियो तो इसमें ज़्यादा लग रहा तो किसी बर्तन तय। तो जब तक मैं कुछ और तैयारी करूँगी। तो भाई दाथड़े को नहीं जानती है सिमरन और बोल रही है नानी जी ये क्या है, तो इसकी नानी बता रही बेटा ये दाथड़ा है और ये देखो कहाँ से मिला था आपकी नानी को, ये उनके मायके से मिला था, जैसे आप अपने नाना नानी का आ रहे हैं ना तो आपकी मम्मी के जो मामा नानी उन्होंने दिया था ये लोहे का बनवा के, कितना मजबूत लोहा है। सिमरन को ऐसे कह रही सिमरन तू गिया खा ले बेटा तो दे देंगे हो रहा देखो एक। अच्छा खा ले तू
चने के साथ बना खाइयो। तो शहर में रहने वाले बच्चे जो हैं बहुत कम चीज़ें जानते हैं, ये वाली जो गांव में संसाधन है खाना बनाने के तरीके हैं, तो उनसे ये परिचित नहीं है, है ना। हाँ या नहीं तो कह रही इनको या क्या दंती सी है कैसे डाल की या। और बेटा पहाड़ों में जो दंती है ना दराती जिसे बोलते हैं वो किसी और तरह की, वो बहुत बड़ी गोल सी, वो मैंने अलग तरह की देखी। हाँ बहुत सारे संसाधन बहुत अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह यूज करे जा। ये भी देखेगी काट के रहने दे, तेरी मम्मी तो काटती नहीं अब तक भी, डर लगा ऐसा तो कभी हाथ कट जा, मेरे पे नहीं कटता, मैं भी चक्कू ते काटूँ। तो यहाँ पर पालक काट दिया जाएगा, जब से मैं साग साग बोल रही साग तो ये बन के तैयार होगा, पालक मेथी लहसुन की पत्तियाँ पता नहीं क्या क्या और सरसों के पत्ते, अभी चना हुआ नहीं, चना भी हो जाएगा तो फिर तीन चार चीज़ों को मिक्स करके बनाया करेंगे। भाई पिंकी दीदी गई है किसी के पास बैठने के लिए, थी तो मेरे साथ गाग गई लेकिन फिर मैं अंदर चली गई वापस हटके गाड़ी की चाबी लेने के लिए, फिर वे पता नहीं किसके यहाँ पे चली गई, अभी तो मुझे पता भी नहीं, मैं सोच रही मगर घेर में चली गई होगी, बटुक के भी ना जी भी नहीं लग रहा भागा फिरा था तड़की तय। पालक ऑलरेडी पानी काफ़ी सारा छोड़ देता है, तो यहाँ पर माता जी ने इसमें डालना शुरू कर दिया है ये पालक। और देखो आज मैं काम करूँगी हेल्पर के रूप में, ये मत कहना कि सारा काम सासू माँ से ही कराती है, ऐसा कुछ नहीं है, वो सारा काम हम खुद भी करते हैं। और चाचा जी आगे ये देखो कितना सारा सामान लाए, इसमें मकई का आटा लिया है, इसमें गेहूं का आटा लिया, डिब्बा लिया या डिब्बा भरवा के भी लिया है। अभी जो है इसमें नमक डाला जाएगा और हरी मिर्च, बाकी की जो चीज़ें हैं वो बाद में डलेगी। जितनी भी पत्तियां हैं वे सारी गिलास में घेर कर उस तक बिलन तक नुकर दे कूट दे उन्हें, जिस तरह कुंडी सोटे तक उटक रहे। कहाँ थे तुम तो मेरे तक आ गए थे। वही यहाँ पर पालक पकते ही ये घोटना शुरू कर दिया माँ ने, और बहन जी भी आ गई ये देखो, और उसे सुहा दिया रिश्ते को सुहा दिया, इसके दो ना लुट्टो दोनों की दोनों दल भी नहीं थी। हाँ नहीं तो कह रही है। तो यार ट्रिक बताई माँ ने मुझे घोटने की, और देखो इसकी बन गई चटनी, घोट घोट के इसकी चट्टर बना दिया मैंने गिलास में ही, माँ ने भी घोटना घोट फेर के घोट दिया साग, साग की चटनी बना दी बिल्कुल। अब मुझे घोलना है अल्लन और साग खाने वाले चूल्हे की डब्बू देख रहे, माँ के हाथ का तो बहुत दिनों में लगा ना खाने को। रात खाने वाले घर देखा थे मुगा रोटी का खाऊंगा हम तो फिर अंधेरा हो जाओगे। कहीं नहीं होने का आज कल फिर निकलेंगे और आज ना जाओ आज ना जाओ। वो तो जाने ही माँ बड़ा थोड़े थे स्कूल में, अरे खेल ले अंदर कहेंगे आ जाएंगे वे भी बेचारे, फिर वे नुकाएंगे नुको बुआ जी चली गई हम स्कूल में भेज दिया आपने, या चिंकी सही रही। हाँ वे तो इतना खिला रहे देख ला छोटे बच्चे कितना शौक है सारों को, मंडे पड़े वो उठा दी तुमने। अल्लन बना के तैयार कर दिया, और अब माँ जी जो है इसे डाल देंगी उसमें साग में। तो जी थोड़ी देर में हमारा साग बन के तैयार हो जाएगा। आटा मैं भून लेती लेकिन मक्की का जो आटा है वो आ चुका है, मिल गया है इसी गांव में, और इसकी बनेगी आज रोटी, मक्की की रोटी, चने का साग, लस्सी ले आऊँ मैं डिब्बा भर के, और भी कुछ आना क्या करते हैं। अल्लन डल जाएगा जी, बस हो गया काम। साग बन के तैयार हो चुका है, अब इसे नीचे उतार देते हैं देखो, और माँ ने मकी का आटा गूंद लिया, अब मेरी ड्यूटी है उधर से लस्सी लाना और सबको खाना खिलाना। सबसे पहले बहन जो खिलाया जाएगा क्योंकि फिर उनकी चलने की तैयारी है, इधर से वापसी है, तो ये कह रही कि हमें सवेरे ही विदा कर दो हम चले जाएंगे टेम फिर घर। गोभी देख रहे वहां से छोटा ही फूल है, यो ले लियो लो की तोड़ लियो। हाँ तो गाइस पनीर आज हम इस तरीके से डाल लेंगे, क्यों खाते नहीं तुम नहीं बढ़िया लगेगा। खाना बन रहा और इधर सर्व हो रहा साथ के साथ, सब लोग खाएंगे, अभी बच्चे भी आ गए स्कूल से, हैंड वॉश कर लिया, आपकी प्लेट वो लगा रखी मैंने जहाँ चाचा जी बैठे हैं। हाँ ठीक है, नहीं कौन किसी के आगे कुछ जिक्र ना करो, सारे खा लेंगे आराम से, अगर जिक्र करोगे ज़्यादा कहोगे खाने के नहीं, रोटी के बारे में कि कहीं की रोटी है बस। सृष्टि खा बेटा, राम का नाम ले,
चल हाँ जोड़ लो, हाँ जोड़ लो, हाँ जोड़ लो।